नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश और आप देख रहे हैं RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर या लैपटॉप की एक ऐसी ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं और चाहते हैं कि उसे ना तो कोई ओपन कर सके और ना ही कोई डिलीट कर सके, तो ये आप बड़ी इजीली कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप में डिलीट या ओपन नहीं होने वाला फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं और इसे किसी नाम से सेव कर देता हूं। तो चलिए मैं इसका नाम RMS की कर देता हूं। अब दोस्तों, इस फोल्डर के अंदर मैं कोई फोटो या फाइल डाल देता हूँ। तो चलिए मैं अपनी फोटो इसके अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फोल्डर ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये फोटो जो मैंने अभी इसमें डाली थी उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं ये मेरी फोटो भी ओपन हो गई है। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस फोल्डर को ही कोई ओपन नहीं कर पाए तो इसके लिए क्या करना है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक RMS लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर एक ऐसा फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसे आप चाहते हैं कि ना तो उसे कोई ओपन कर पाए और ना ही उसे कोई डिलीट कर पाए, तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको सबसे बॉटम साइड में प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ये थर्ड वाले ऑप्शन सिक्योरिटी के टैब में क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको एडिट की इस बटन पर क्लिक करना है। अब एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है या फिर आप अपने सिस्टम पे नीचे दी गई इन ऑप्शंस में भी ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप परमिशन फॉर सिस्टम फुल कंट्रोल, तो यहाँ पर दोस्तों ये डिनाई की हेडिंग के नीचे आप ये चेक बॉक्स देख रहे होंगे, तो आपको इन सभी चेक बॉक्सेस में टिक लगा देना है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको ये फुल कंट्रोल के सामने वाले इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। इसके बाद बाकी नीचे वाले बॉक्सेस में ऑटोमेटिकली टिक लग जाएंगे। अब दोस्तों, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद एक विंडो सिक्योरिटी अलर्ट आएगा, तो आपको इसको यस कर देना है। अब यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों, फाइनली आपको यहाँ पर भी ओके कर देना है। तो बस दोस्तों, आपको यहाँ पर इतनी ही सेटिंग करनी है। इसके बाद अब तो ना ही इस फोल्डर को कोई डिलीट कर पाएगा और ना ही कोई इसको ओपन कर पाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसे ओपन करता हूँ तो दोस्तों एक मैसेज हो जाएगा आपको, यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये मैसेज बार बार शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप इसको डिलीट करके देखते हैं। ये देखिए डिलीट, अभी डिलीट करने के लिए पूछ रहे हैं, मैं यस कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक मैसेज आपको शो हो जाएगा, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। अब ट्राई अगेन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब जितनी बार भी मैं ट्राई अगेन कर रहा हूँ ये फोल्डर डिलीट नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों, आप इस सिंपल और इजी सेटिंग से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में बनाए गए किसी भी फोल्डर को सिक्योर कर सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि इसको ओपन कैसे करना है। तो सिंपल दोस्तों, आपको इसमें राइट क्लिक करना है, इसके बाद फिर से प्रॉपर्टी में जाना है, सिक्योरिटी, एडिट, और आपको ये सारे चेकबॉक्स को रिमूव करना है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली इस रिमूव के बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये सारे चेकबॉक्स में लगे टिक अनटिक हो जाएंगे। इसके बाद अप्लाई कीजिए और फाइनली ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको दोबारा से ओपन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फोल्डर फिर से ओपन हो चुका है। तो अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट, यस, और आप देख सकते हैं फोल्डर अब डिलीट भी हो गया है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी फोल्डर को सिक्योर कर सकते हैं और इस ट्रिक से एक ऐसा फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जो ना तो डिलीट हो और ना ही उसे ओपन किया जा सके। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और एक बात दोस्तों, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हो लेकिन दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो। इससे क्या होता है दोस्तों कि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर देते हो। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।